बस ये गाड़ी की मैं वेल्डिंग कर दू और मेरा सारा काम हो जाएगा फिर मैं आराम से घर जा पाऊंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे और मुझे तो आज शॉपिंग पे जाना है आज मैंने सोचा मस्त कपड़े खरीदने जाऊंगा अरे जल्दी कर जल्दी कर अरे हाँ सर कर रहा कर रहा हूँ तो क्या मैं काम करता हूँ इस गैराज में अभी मुझे यार काम मिला है इस गाड़ी को मुझे बिल्कुल ठीक करना है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे इसको बिल्कुल ठीक करना होगा सुन अभी मैंने अपने एम्प्लॉय से बात करी वो सभी के सभी छुट्टी पे है तो तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा क्या सारा काम मैं करूं हाँ तुझे ही काम करना पड़ेगा तू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ये गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दे फिर पूरा पूरा सारा कचरा साफ भी कर हो अरे इतना सारा काम पैसे तो दोगे ना पैसे कौन से पैसे अपनी जॉब कर रहे पैसे के तू अरे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो ना कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे ऐसे कैसे पैसे नहीं मिलेंगे कोई पैसे नहीं दूंगा काम करना है तो कर मैंने निकल अच्छा ठीक है मैं काम छोड़ता हूँ जितने मेरा काम किया उतने पैसे दो अरे कौन से पैसे तू तो मेरे यहाँ पे काम ही नहीं करता ये क्या बोल रहे हो अरे क्या तू मेरा

भी और खाना भी खाना था इनमें से तो कुछ काम नहीं हो पाएगा मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी मिलाना था एक सेकंड ये सामने कौन आया रुको मुझे लगता है तो। उसके बदले ही मुझे पैसे देते चलो चलो चलते। अरे भाई साहब ये कौन आया है सर गाड़ियों से दूर रहे हमारे साहब आए लॉस सेंटर्स के सबसे अमीर आदमी है वो उनकी गाड़ियों से दूर रहे अरे मैं मैकेनिक निकू आपकी कोई गाड़ी खराब है क्या अरे सर मुझे नहीं पता आप उनसे पूछनी चाहिए यहाँ पे तो बहुत महंगी महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस लैम्पोर की न्यूरस और भी बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ी है अगर इनको ठीक करूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे हेलो सर मैं आके गाड़ी ठीक कर देता हूँ सिंचन तू एनी मैम अच्छा तेरी गाड़ी तो नहीं होगी तेरे बॉस को बोला मुझे उनसे काम है एनी वेकी मैम मैं ही बसू क्या क्या तू

वो बिल्डिंग तेरी है अहिक भाई मैंने कैली खरीदी थी, थी। कल बिल्डिंग कर दी थी सिंचन तेरे पास तो बहुत सारे पैसे मेरे को अपने साथ रख लेना मैं छोटा बॉस बन जाऊंगा मैं मैं आपने तो मुझे घर से बका दिया था ना अरे वो, वो, वो तोन छोड़ू तो मत को तेरे साथ रहना है मुझे पैसे दे। ए, मिस्टर मेरे बॉस को क्या बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो मजाक कर रहा था मजाक करते हो निकल जाओ ऐसे में निकल जाओ वरना आपकी गोली मारती प्लीज मुझे अपने

गाड़ी को लेकर चलते एक तो मेरी गाड़ी भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी है से चलती भी नहीं। अब मैं क्या करूँ सारे पैसे, हैं। मेरे पैसे ही नहीं। क्या करू चलो घर चलते रहूंगा मैं तो आज का दिन तो बहुत ही खराब था यार मेरे को पैसे भी नहीं मिले मेरे काम के और सिंह ने भाई बहुत ही बेचुती कर दी अपने साथ काम पे एक सेकेंड ये क्या चल रहा है यहाँ पे मेरे घर पे इतने सारी पुलिस और सिक्योरिटी क्यों है अरे यहाँ पे क्या हो गया अरे मैंने तो किसी को नहीं मारा हेलो पुलिस अंकल क्या हो गया तो आप यहाँ पे कर रहे हो अरे फ्रैंकलिन, रेंट के पैसे कौन देगा रेंट के पैसे अरे और, और वो तो मैं बोली क्यों एक मिनट लेके आ तो घर के अंदर ही पड़े नहीं कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है मतलब मेरा रेंट आपने माफ कर दिया नहीं हमने तुम्हारे घर को ही साफ कर दिया किसी सिंह नाम के बिलेनर ने आपका पूरा घर खरीद लिया क्या मेरा घर लिया कैसे क्यों मे मेरी बिना परमिशन के अरे सर आपका कौन सा घर था आप तो किराए पे रह रहे थे जितना किराया बचा था वो दे दो और निकलो ऐसे ऐसा मत करो मैं कहा अरे मुझे क्या पता जहाँ रहना इधर हो बस पैसा दो पैसे तो मेरे पास नहीं है क्या तुम्हारे पास आज भी रेंटी है नहीं मैं जा रहा हूँ इधर आओ इधर आओ कार्ड्स, इससे कपड़े और इसकी गाड़ी जब्त कर लो नहीं ऐसा नहीं, मत करो कर लो अरे मेरा लिया। और मेरी गाड़ी भी मेरे हाथ से चली गई इन्होंने मेरी चाबी ले ली मेरी प्यारी गाड़ी पर इसमें भी नहीं जा सकता मैं क्या करूँ मैं तो नंगा हो गया और रोड पे आ गया अरे ये क्या हो गया मेरे साथ आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा खराब है पर मेरा दिन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है अगर आप वीडियो को लाइक और

ओ बाबा कोई कुछ खाने के लिए दे दो कुछ खाने के लिए एक सेकंड ये बर्गर की खुशबू से आ रही है खुशबू अरे वाह बर्गर ए, तुम कौन हो अरे पे तो बर्गर पड़ा है अरे वो मेरा बर्गर है अरे मैं खा लू क्या बहुत दिन से कुछ नहीं गया खाने को दो ना कुछ अरे मैं कह सू तू मैं तो खुद यार इतने दिनों बाद खाना खा रहा हूँ अरे प्लीज तुम कॉफी पी रो बर्गर दो ना मैं क्या करूँ मेरे पास लास्ट बर्गर बचा है अरे प्लीज दे दो प्लीज दे दो मैंने बीस दिन से कुछ नहीं गाया अरे खा लो खा लो तुमको तो उल्टी आ रही है अरे थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया हाँ खा लो खा लो अरे यार कितना अच्छा बर्गर था ये कैसे खा रहा है अरे बहुत बहुत शुक्रिया अरे भाई पेट भर गया मजा आ गया बर्गर क्या तो अच्छा था क्या बर्गर अरे बहुत अच्छा था यार मजा आ गया क्या ही बर्गर था ऐसा बर्गर तो कभी नहीं खाया ठीक है चलो अरे चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ कौन सा गिफ्ट बर्गर का कचरा छोड़ के जा रहे हो क्या आदमी था यार बर्गर खा के गया मेरा चलो ठीक है ए, ये क्या हो रहा है ये ये, ये, क्या हो रहा है अरे ये आदमी तो इधर ही था वो क्या चला गया ये क्या हो रहा है बच्चे तुमने मेरी मदद करी थी मैं तुम्हारी मदद भूत 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 अरे बच्चे भूत नहीं ये मैं हूँ अंकल जिसको तुमने बर्गर खिलाया था आ जाओ अंदर मेरे अरे क्या हो रहा है ये तुमको मैं देने वाला हूँ खतरनाक शक्तियाँ ये लो ए, ये क्या हुआ वो चला क्या एक सेकंड ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आई लगता है ही बाबा था। उसने मुझे गाड़ी दे दी और मतलब ही, ही बाबा से गाड़ी मिल चुकी है ये तो बहुत ही खतरनाक है चलो इसके अंदर बैठते हैं अरे लगता है कलर चेंजिंग वाली गाड़ी है अभी व्हाइट कलर की थी अभी ब्लैक कलर की हो गई ये तो बहुत ही बढ़िया है एक सेकेंड ये गाड़ी तो डायमंड हो गई क्या ये कैसे हुआ ये कैसे हो सकता है एक सेकंड उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट नहीं दी थी उसने मुझे ऐसी शक्तियाँ दी थी जिससे मैंने गाड़ी को टच किया तो वो डायमंड की बन गई रुको इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा हेलो साइमन भैया क्या हाल है एक लड़के बाहर निकल निकले से अरे मैं मेरी बात तो सुनो ये बाहर निकल कपड़े नहीं तेरे पास अरे मेरे पास डायमंड की गाड़ी बेचने के लिए क्या डायमंड की गाड़ी दिखाओ दिखाओ ये देखना ये डायमंड है क्या

ठीक है नॉर्मल दे है हाँ ठीक है ठीक है तो अभी मुझे पैसे ट्रांसफर कर रहे नो हो गए क्या हो गए पैसे हाँ देखो तो सही हाँ रुको रुको

डायमंड की कैसे डायमंडी रुक जाए किसी भी चीज़ को टच करता हूं, तो वो डायमंड है अब तो मेरे मजे होने वाले अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो सर मेरे बहुत सारे पैसे आ चुके हैं मैं किसी भी चीज को टच करूंगा वो डायमंड की बन जाएगी चलो फटाफट से कपड़ों की शॉपिंग के लिए चलते इतने दिनों बाद सूट पहनूंगा लास्ट सूट मैंने घर वालों की शादी में पहना था पर अभी मैं पहनने वाला बैदा दीदी कैसे हो यहाँ पे

पेमेंट एक ही बारे में करूंगा चलो फटाफट फड़ से उस अंकल के पास चलते और उसको पेमेंट करते हैं और अपना घर वापस से ले लेते हैं तो अभी हम बस अपने घर पे पहुंचने वाले बहुत ही मजा आने वाला है और आखिरकार मुझे की में पर ये इधर नहीं पर आज नहीं अभी पहले घर खरीद लेते हैं हेलो तुम्हारा साहब कब है तुम फिर गए निकल जाओ ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो अरे साहब मेरी बात सुनो अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन मुझे ये घर खरीदना है ये क्या सूट पहन के आ जाएगा चोरी का और चोरी की गाड़ी

नकली रखता मैं अरे भाई तुमने कैसे किया अरे वो सब मैंने कैसे भी किया वो सब तुमको को जानना है ये घर आज से मेरा हो गया अरे तुम्हारा क्या

डायमंड का टच करो वो डायमंड की बन जाएगी और उसको बेचो तो इतना सारा पैसा मिलता है कि कुछ भी ले सकते हैं ऐसे ही मैं इतनी खरीदने वाला हूँ और शक्तियां नहीं शक्तिया है मेरे पास बहुत खतरनाक शक्तियां जो की किसी भी चीज को टच करो और वो डायमंड की बन जाती है तो गाइजर अच्छी बेचता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना पता ना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट बता दो और आप आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो कुछ नहीं करना सिर्फ जो कमेंट में लिख दो पार्ट टू लाइक और सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम और डिस्काउंट पर जाना फॉलो लेना और मैं मिलता हूं आप सभी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय